सनसनीखेज दावा कि रूसी न्यूक्लियर ट्रायड ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, तो क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा? यकीनन ये स्थिति अपने आप में बेहद भयावह मंजर की ओर संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, अगर परमाणु हथियारों की बात करें तो सबसे ज्यादा 5,977 दुनिया में किसी भी एक मुल्क में अगर सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं तो वो रूस के पास हैं। अमेरिका भी उससे कम है। इसके इस दावे से आप समझ सकते हैं कि स्थिति इस वक्त रूस में क्या बनी हुई है। राजेश, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे और मेरा ये सवाल भी, ये जो बार बार न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी जा रही है, न्यूक्लियर ट्रायड की जानकारी दी गई है पुतिन को, इसका क्या मतलब और मायने हो सकता है? क्या नाटो देशों के एक कदम आगे बढ़ाने की वजह से पुतिन और वहां की मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है? आप मेरे से पूछ रहे हैं सवाल? जी जी राजेश, आपका ये सवाल मुझसे है? आपसे ही है ये सवाल। हेलो राजेश, आपसे ही ये सवाल है। आप बस में मौजूद हैं, कीव की सड़कों से गुजरते हुए अलग अलग हिस्सों में आप जा रहे हैं। मेरा ये सवाल है, रूसी न्यूक्लियर ट्रायड को अलर्ट पर रखा गया है, तैयार रहने के लिए कहा गया है, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, अभी अगर आपने खबरों पर ध्यान दिया हो तो नेटो देशों ने पोलैंड के थ्रू कुछ जहाज सप्लाई करने की बात की है यूक्रेन को, और जेलेंस्की ने एक अपील की है कि फॉरेन फाइटर्स आए और यूक्रेन में लड़ें। देखिए, इसका क्या इंडिकेशन है, कल इसका इससे ये हालात बन सकती है कि यूक्रेनियन जहाज कल अमेरिकन पायलट उड़ा रहे हो, अमेरिकन फौज नहीं आएगी पर अमेरिकन पायलट बोलेंगे हम खुद आ रहे हैं उड़ाने के लिए, और क्योंकि वो सिविलियंस, और ये अपील जेलेंस्की ने की है। ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर सकती है, और रशिया इस न्यूक्लियर ड्रिल के थ्रू ये दिखाना चाहता है कि ऐसी कोई चीज उसका एक्सेप्टेबल नहीं होगी। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नेटो इंटरवेंशन हुआ तो हर हालत में ये वॉर कभी भी न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है। क्या वास्तव में पुतिन इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि वो यूक्रेन के खिलाफ अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करें? क्या वास्तव में इस तरह की भयावह स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना मतलब हालात हाथ से बाहर हो जाना, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो। हिरोशिमा नागासाकी के बाद किस तरह से प्रतिबंध भी लगे, बैन भी लगे, कई देशों ने जब न्यूक्लियर पावर अब इस ताकत को आजमाना चाहा तो उनको लेकर भी कई तरह के कड़े प्रतिबंध लागू किए गए, तो क्या वास्तव में रूस इस स्थिति में आने को तैयार दिखाई दे रहा है? राजेश, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये चीज रूस के लिए इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से ऊपर रूस के लिए कुछ नहीं है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक्स बाद में आता है, और हिरोशिमा नागासाकी तो इसके सामने दिवाली के पटाखे लगेंगे। जिस तरह के हाइड्रोजन बॉम्ब्स और फ्यूजन बॉम्ब्स इस वक्त रशिया के पास में हैं।